वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफसर नटेक। मैं हूं अफसर से एक और मैं लाता हूं आपके लिए अर्निंग टैग यूट्यूब रिलेटेड वीडियो जिसका लाभ उठाते हैं आप तुरंत। तो आज की जो टॉपिक है वो है वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं अपने से। ठीक है, एक वॉच टाइम बढ़ता है, लोग जब आपकी वीडियो देखते हैं तो आपको वॉच टाइम बढ़ जाता है, और एक जो है बहुत लोग जो है खुद से वॉच टाइम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मैंने भी बहुत बार किया है। तो अब क्या है उसके जो प्रॉफिट और लॉस ये दोनों बता दूँ। अगर आप खुद से वॉच टाइम बढ़ाते हैं तो 100% आपको वॉच टाइम बढ़ेगा और आपको जो है अपना वॉच टाइम जो है वो कुछ टाइम बाद जो है अपडेट भी मिल जाएगा। अगर आपने 2 घंटा वॉच टाइम कराया है, 3 घंटा किया है, आपने लूप वीडियो चलाई है या आपने अपने प्लेबैक स्पीड को कम करके देखा है, ये सब चीज़ काउंट होता है, ये जेन्युइन है। लेकिन अगर आप बार बार ये एक्टिविटी जो है अपने पर्सनल फ़ोन पे या फिर वाईफाई कनेक्ट करके अपने लैपटॉप पे करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो है इनवैलिड एक्टिविटी में वो चला जाएगा, क्योंकि जो आपका नेट है फ़ोन से कनेक्ट है तो आपने फ़ोन पे तो अपनी आईडी लॉगिन लॉगआउट की होगी, तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो यूट्यूब के पास है, और उसी आईपी एड्रेस का जो नेट वो यूट्यूब में लैपटॉप में कनेक्ट हो रहा है, तो वो भी अगर वीडियो अगर देखी जाए ऐसे तो वो भी इनवैलिड एक्टिविटी माना जा सकता है, आपका चैनल डिलीट हो सकता है व आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ऐसा कुछ भी मत कीजिए। अगर आपको अपना वॉच टाइम बढ़ाना है, अगर आपको लगता है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाना चाहता हूँ, तो जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था आपको एंड स्क्रीन में वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, उस वीडियो को देखिए। लेकिन वो तरीका जो है वो किसी दूसरे पीसी या दूसरे फ़ोन पर ट्राई कीजिए, 100% आपको वॉच टाइम बढ़ेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका जो नेट है वो उसके लैपटॉप या मोबाइल से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका पर्सनल नेट होना चाहिए, पर्सनल मोबाइल होना चाहिए, पर्सनल लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर जो है वो आपका इनवैलिड एक्टिविटी में नहीं आएगा, वरना वो इनवैलिड एक्टिविटी में आ सकता है। फिर आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपने बताया था वॉच टाइम बढ़ाना, इससे मेरा चैनल ख़राब हो गया। तो मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं बताता जिससे आपको नुकसान हो, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि वॉच टाइम बढ़ाइए, प्लेबैक स्पीड जो होती है मैंने अपने वीडियो में बताई है, आपने वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, तो उसमें मैंने बता रखा है आपको कि जो प्लेबैक स्पीड होती है उसको 0.25 पे करके आप वीडियो देखेंगे तो आपका जो 10 मिनट का वीडियो है वो करीबन करीबन आधे घंटे या 40 मिनट तक आपको वॉच टाइम देगा एक बार में। अब उसको आप जितनी बार प्ले करेंगे उतनी बार आपको वॉच टाइम काउंट हो जाएगा, लेकिन आपको ये दूसरे के मोबाइल में या फ़ोन में करना है, ठीक है, तभी जाके आपका जो है वो जेन्युइन माना जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप समझदार हैं, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, और मैं जो ट्रिक बताई है वो कर लीजिए जाकर, लेकिन जैसा बताया बिल्कुल वैसे ही करना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक ही रिक्वेस्ट है, आपको पता ही है सभी यूट्यूबर करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करते नहीं हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, शूट करने में, एडिटिंग करने में, ऐसी नॉलेजफुल वीडियो लाने में, तो सब में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जो है हौसला बढ़ता है, हमें लगता है कि हमारी वीडियो जो लोगों को पसंद आ रही है। तो अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आ रही है तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या कमी लग रही है या आप किस कंटेंट पर वीडियो चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों उस कंटेंट पर आपको फुल डिटेल में वीडियो बनाने की, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बहुत समझाकर वीडियो बनाता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करता और आपको सब कुछ समझ में आता होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से ऐसी एक हेल्पफुल वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।